नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट नए भारत की नई संसद और साथ ही साथ एक नई सौगात। वो क्या है नई सौगात? आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक बड़ी खबर के साथ। लोकसभा महिला आरक्षण बिल पेश हो गया है। कानून मंत्री मेघवाल ने पेश किया बिल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश हुआ, लोकसभा में बिल पेश किया गया है। ये बड़ी खबर। महिला आरक्षण की अवधि 15 साल की होगी। लोकसभा में महिलाओं के लिए 181 सीट रिजर्व होगी। 15 साल बाद संसद पुनर्विचार करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दर्शकों को बता दें, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया बिल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश हुआ बिल। और सबसे बड़ी बात है कि नए संसद भवन में ये नया बिल पेश हुआ है। तो लोकसभा में बिल पेश कर दिया गया। महिला आरक्षण की अवधि 15 साल रखी गई। 33% बताया जा रहा है कि आरक्षण मिलेगा और 181 सीटें महिलाओं के लिए लोकसभा में अब रिजर्व कर दिए हैं। यानी अब आपको महिलाएं 181 महिलाएं सीटें पर आपको नजर आएंगी, सांसद नजर आएंगी। महिला सांसद आपको अब 181 सीटों पर आएंगी क्योंकि 181 सीटें संसद के अंदर रिजर्व कर दी गई हैं। 15 साल बाद संसद पुनर्विचार करेगी इस आरक्षण पर क्योंकि उसमें बढ़ाया भी जा सकता है। बता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। वही महिला आरक्षण बिल को लेकर राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने क्या कहा है? पीएम मोदी ने कहा है महिलाओं को बड़ी सौगात दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है महिलाओं को। ऐसे देश भर की महिलाएं खुश हैं, सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। महिलाओं को असल सम्मान पिछले 9 सालों में मिला है, विपक्ष का इसका समर्थन करना चाहिए। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी इस वक्त हमारे साथ हैं। बड़ा ऐतिहासिक दिन है मैम, आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को रखा जाएगा, इसको किस तरीके से देखती हैं आप? ये तो बहुत ही आज का कल का जो ये दिन जो जिस दिन जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण बिल को रख करके पास कराया, आज संसद में इसकी चर्चा भी होगी। और भारत आज जो दो पहिया चलता है, आज लगातार हमारे मातृ संगठन को हमारी सरकार मजबूत सशक्त आत्मनिर्भर कर रही थी, आज मैं कह सकती हूँ कि ये कानूनी जामा पहुँच चुका है। आज लोकतंत्र में हमारे विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर हमारी महिलाएं सशक्त से और मजबूती से अपनी बात को सदन में रखने के लिए पहुँचेंगी। ये आरक्षण बहुत ही महिलाओं को आगे और सशक्त और मजबूत करेगा, आत्मनिर्भर करेगा, महिलाओं में हो रहे अत्याचार को भी खत्म करने की कोशिश करेगी। जब महिलाएँ स्वयं सदन में पहुँचेंगी, लोकसभा और विधानसभा के अंदर पहुँचेंगी, तो निश्चित रूप से उसका विपक्ष ने भी सहमति कहीं ना कहीं जताई है। सोनिया गांधी जब सुबह जा थी तो उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण पे बात की जाएगी, बिल रखा जाएगा, तो सहमति कहीं ना कहीं उन लोगों की भी है। विपक्ष बहुत साल सत्ता में रहा है, ये तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 9 साल से आए हैं और महिलाओं को इतना सशक्त और मजबूत किए हैं। विपक्ष तो सिर्फ कहता रहा है और हम लोगों ने वो सदन काल भी देखा है कि जब महिला बिल आया था तो लोगों ने फाड़ करके फेंक दिया था सदन में बिल को। तो उस समय मैं किसी के बोने के सबको समर्थन करना चाहिए, सभी दल आज समर्थन करें और महिलाएं डबल पहिया जो डबल इंजन की सरकार उसके साथ डबल पहिया भी को बराबर से काम करें, लोकसभा में और विधानसभा के अंदर काम करें, महिलाएं सशक्त मजबूत और आत्मनिर्भर बने, इसके लिए मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी को लगातार बधाई दे रही हूं। वहीं यूपी की मंत्री बेबी रानी मौर्य के महिला आरक्षण बिल पर क्या प्रतिक्रिया है वो भी अब आपको सुनाते हैं। ये बिल पास करके उन्होंने महिलाओं के सपनों को साकार करने का अवसर दिया है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो राजनीति में आना चाहती हैं लेकिन नहीं आ पा रही थी किसी कारणवश, लेकिन अब 33% जब आरक्षण हो जाएगा तो हमारी दलित महिला भी, हमारी अनुसूचित जनजाति की महिला भी, हमारी आदिवासी महिला भी, हर कोई महिला को राजनीति में सहयोगी बनेगी और उसे अवसर मिलेगा। वहीं लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है। आपको बता दें यूपी में कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है वो आपको सुनाते हैं। आज ये बिल अगर पार्लियामेंट में पेश होता है तो मुझे विश्वास है कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए,
जो कांग्रेस ने सपना देखा था, जिसकी नींव राजीव गांधी जी ने रखी थी 33% महिलाओं को आरक्षण देकर के पंचायत में, ये उसकी दूसरी श्रृंखला होगी। वही सपा नेता जोही सिंह ने महिला आरक्षण बिल पर क्या कुछ कहा है वो भी अब आपको सुना देते हैं। आदिवासी महिलाओं को और जो हाशिए पर खड़ी हुई महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, क्योंकि उनकी आवाज़ संसद और विधानसभा में सुनी जाए, ये सबसे आवश्यक है। बाकी बिल आएगा, उसका प्रारूप हम देखेंगे। हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन हमारी ये मांग है कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासी महिलाओं को, जो हमारी कमज़ोर तबके की महिलाएँ हैं, उनको प्रतिनिधित्व। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हो गया है, जिसे लेकर कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। 27 साल से कांग्रेस ने इस बिल को अधर में लटका रखा था। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। 27 साल से एक कांग्रेसियों ने महिला आरक्षण लटका रखा था, खाली महिलाओं को सबको लाली दिखाता रहता था कि करेंगे करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ।